हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या मिनिमल पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स से जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यानी JCF, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, या अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, मिनिमल दिया हुआ है, तब आप कैसे लिख सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं लास्ट लेक्चर्स में, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने किए हैं, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी अब आपसे बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आपने बहुत तरह का क्वेश्चन देखा है। तो पहले आप इसको पॉज कीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने बना लिया होगा। आइए मैं बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको 4x4 मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स कैसा है ये आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, ना ही आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है, ना ही मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है। फिर भी बात करना है हमको कि अगर इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर है, और ट्रेस ऑफ ए जो है वो 1 है, साथ में कॉलम स्पेस ऑफ ए हैज़ डायमेंशन 2, तो इसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा यानी JCF होगा, वो इस चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है, आइगन वैल्यू को ढूंढना। आइगन वैल्यू ढूंढने के लिए आप यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा, लेमडा क्यूब इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, वेयर लेमडा इज आइगन वैल्यू। यहाँ से मैं लेमडा स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो ये लेमडा -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और लेमडा का वैल्यू आपका आ जाता है 0, 0 और 1, ठीक है, यानी 3 आइगन वैल्यू आपको मिल गया, 0, 0 और 1 है। नाउ इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ये ट्रेस वाला प्रॉपर्टी। तो चूंकि ट्रेस जो है होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्री, ठीक है, और ये आपको दे रखा है 1, तो यानी जो भी आइगन वैल्यू है, ठीक है, चूंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू भी होता है, राइट, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो ये आपको 1 दे रखा है ना। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अभी ही आपका 1 आ रहा है, चूंकि सारा 0, 0 और 1 है, तो डेफिनेटली जो एक मिसिंग है वो भी 0 ही होना चाहिए, इसलिए कि 0 के अलावा कुछ और होगा तो वो 1 नहीं आएगा, इसलिए 3 आइगन वैल्यू आपका 0 होगा और एक आइगन वैल्यू हमारा 1 होगा, ये कन्फर्म हो गया, राइट, ठीक है, आइगन वैल्यू मिल गया। अब हम दोनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में देखेंगे कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स क्या है, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, जे ब्लॉक्स, राइट, फॉर आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 0 का यहाँ पे जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है, चूँकि ये 3 बार आया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसका GM हो जाएगा, और GM क्या होता है, तो ये होता है आपका नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा i, तो लेमडा आपका यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू i करेंगे, ठीक है, तो ये सिंपली आपका नलिटी ऑफ a आ जा रहा है, राइट, ठीक है। अब देखते हैं नलिटी ऑफ a है क्या, तो ये आपको बहुत ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। जो हमारा रैंक नलिटी थ्योरम है वो क्या कहता है कि नलिटी होता है आपका इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो 4x4 का सारा मैट्रिक्स है, तो 4 हो गया और माइनस रैंक, ठीक है। अब रैंक कितना है, तो रैंक भी आपको दे रखा है। रैंक क्या होता है, रैंक आपका डायमेंशन ऑफ रो स्पेस या तो कॉलम स्पेस होता है, और यहाँ पर आपको कॉलम स्पेस का डायमेंशन दे रखा है, वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो रैंक है वो 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 4 माइनस 2 करेंगे, तो ये हमको सिर्फ 2 आता है। तो अब देखिए, तो नंबर ऑफ जो जॉर्डन ब्लॉक्स है फॉर लेमडा इक्वल टू 0 वो 2 आ गया, ठीक है, यानी 0 के लिए हमको जो है 2 ब्लॉक चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऑप्शन को देखें यहाँ पे, तो पहला वाला ऑप्शन में हमको सिर्फ 1 का 4 ब्लॉक दिख रहा है, देख पा रहे हैं ना, 0 का कोई ब्लॉक ही नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो है ये बाई डायगनल है जॉर्डन ब्लॉक का, ठीक है, और चारों आपका 0 है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही ब्लॉक है, ये कंप्लीट जो है हमारा, ये कंप्लीट हमारा 1 ब्लॉक है, तो 1 ब्लॉक भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको 2 ब्लॉक होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, राइट, ठीक है, ओके। तो आपका बच गया ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 0 का हमको 2 ब्लॉक दिख रहा है और 1 का भी 2 ब्लॉक है, राइट, तो इट मे बी। सी को देखें तो सी में 1 का 1 ब्लॉक है और फिर ये 0 का 1 ब्लॉक, और यहाँ पे ये 0 का 2 साइज का 1 ब्लॉक, ठीक है।
तो मे बी सी बी करेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि वन का कितना ब्लॉक आता है, उससे कन्फर्म हो जाएगा। अगर एक ब्लॉक आएगा तो सी ऑप्शन होगा, दो ब्लॉक आएगा तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स फॉर आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका ए एम कितना है, इसका ए एम वन है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी वन है, चूँकि ये एक ही बार है। तो आपको पता है कि अगर ए एम वन हो तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जी एम भी वन हो जाता है। जी एम वन होने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स है फॉर आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू वन, वो वन होगा, यानी आपको वन ही ब्लॉक मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो दो ब्लॉक था, ये ऑप्शन अगेन आपका डिस्कार्ड हो गया, चूँकि इसमें वन का दो ब्लॉक है। तो वन का जो सिर्फ सिंगल ब्लॉक है वो सी में है, बाकी जीरो का दो ब्लॉक है, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो इस तरह का देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको ए एम जी एम, ठीक है, ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपने भी इसी तरीके से बनाया होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है और हमको इसको कभी भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि पीजीटी के लिए भी ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर नेट में तो हर साल आता है, तो आपको एग्ज़ाम तैयारी करके देना है, ठीक है। बगैर प्रिपरेशन किए मत जाइए, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है। ये तो मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन आपको दिखाया जिसमें भी हमको कम टाइम लगा। बाकी जो इसके क्वेश्चन आपने किए हैं, मैंने करवाया है आपको, काफ़ी सिंपल थे, विद इन द सेकेंड आपसे बनता है। तो इस तरह का जो ईजी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में तो नहीं छोड़ना, तो तैयारी करके स्ट्रेटेजी प्लान करके जाइए और एग्ज़ाम बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद कंटेंट्स में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।